करती है, ठीक। सुपर कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड एक इफेक्ट होता है, इसको कहा जाता है माइजनर इफेक्ट, है ना। माइजनर इफेक्ट होता है जब किसी कंडक्टर को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जैसे देखेंगे, मैंने यहाँ फिगर बनाया है, एक सुपर एक कंडक्टर है ये, है ना। इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जैसे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का टेम्परेचर जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर बड़ा रहेगा तब तक ये सुपर कंडक्टर नहीं है, है ना। और जब तक सुपर कंडक्टर नहीं रहेगा तब लाइन्स ऑफ फोर्सेज का, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज का बिहेवियर ऐसा है। आप देख सकते हैं कि इसके जो कंडक्टर है इसके आसपास से टच करते हुए भी निकल रही है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, है ना। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर, इस कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं या बराबर कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो, ये बन जाएगा सुपर कंडक्टर। और जब सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है अब इसको टच नहीं करेंगे, इसके आसपास में नहीं होंगी, थोड़ी सी दूर हो जाती हैं। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेज का बिहेवियर देखेंगे ऐसा हो जाता है कुछ, मतलब अब ये जो कंडक्टर है या कहें सुपर कंडक्टर है, इस सुपर कंडक्टर को टच नहीं कर रही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, इसके साइड से बगल से निकल जा रही है ना। ये तब होगा जब इस सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो या बराबर हो, ठीक। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट मैंने बताया, जो फेनोमेना बताया, इसको कहा जाता है माइजनर इफेक्ट। इसके बारे में भी कुछ लाइन्स मैंने लिखी हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको। When a conductor inside external magnetic field, मतलब कोई कंडक्टर है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, इज कूल्ड टू बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक उसको ले गए, तब क्या होगा, देन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर पुश्ड आउटसाइड द कंडक्टर। यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो कि अंदर भी हो सकता है जा रही हो, टच करती हुई जा रही हो, उनको बाहर की तरफ पुश कर दिया जाता है जैसे ही ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट होता है ना, पुश्ड आउटसाइड द कंडक्टर, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। मतलब इसलिए पुश करी जाती है क्योंकि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो हो जाता है जीरो। इस फेनोमेना को या इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं माइजनर इफेक्ट।